1, 2 and 3। यही 3 माइक्रोफोन है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्मार्टफोन से ब्लॉगिंग करने के लिए। और आज मेरे पास तीनों ही माइक्रोफोन है जिनको कि हम प्रैक्टिकली टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन तीनों में से कौन सा माइक्रोफोन सबसे बेस्ट है स्मार्टफोन से ब्लॉगिंग करने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बलराम फोटोग्राफी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दी बेस्ट माइक्रोफोन फॉर स्मार्टफोन फॉर ब्लॉगिंग। ऑलराइट, तो फर्स्ट माइक्रोफोन है हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे सस्ता माइक्रोफोन जो कि एक लेवलियर माइक्रोफोन। ये आपको अराउंड 200 से 300 रुपए के अंदर ऑनलाइन मिल जाएगा और इसको यूज करना बड़ा ही सिंपल है। बस 3.5 mm जैक के थ्रू इसको आप अपने फोन के साथ कनेक्ट कर दो एंड जो आपका माइक्रोफोन है उसको अपने शर्ट या फिर टी शर्ट के ऊपर क्लिप कर दो और ये रेडी हो गया इस्तेमाल करने के लिए। ये है आउटपुट ऑडियो क्वालिटी लेवलियर माइक्रोफोन का। आप देख सकते हो माइक्रोफोन को मैंने टी शर्ट के ऊपर क्लिप करके रखे है और ये मेरे फोन के साथ कनेक्टेड है वायर की मदद से। आसपास यहाँ पर नेचर में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज है जिसको कि आई एम श्योर ये माइक्रोफोन अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। तो लैब माइक्रोफोन से आपको कुछ इस क्वालिटी का ऑडियो सुनने को मिलता है। इसका जो मेन दिक्कत है ना वो है इसका वायर। ये हमेशा आपके फोन एंड बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है तो वायर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनकेस अगर आप कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पर ब्लॉग शूट कर रहे हो, कोई मेले में जाकर के ब्लॉग शूट कर रहे हो, कोई आपका वायर ऐसे किसी के हाथ में लगकर खींच जाता है तो आपका माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट हो सकता है या फिर वो हिल जाएगा तो उसमें एक अलग सा नॉइज कैप्चर हो जाएगा। या फिर मान लीजिए ब्लॉग के बीच में आप फोन को कहीं पर रख कर थोड़ा सा दूर जाकर के कुछ शूट करना चाहते हो तो माइक्रोफोन को आपको यहाँ पर से क्लिप से हटा करके फिर से नीचे रखना पड़ेगा, फिर से जब पास आएंगे अगेन उसको क्लिप करके शर्ट में लगाना पड़ेगा जिसमें कि अलग सा नॉइज आपका कैप्चर होगा एंड ये इजी टू यूज नहीं होता है। तो माइक्रोफोन का ऑडियो क्वालिटी तो काफी शानदार है बट ये जो वायर है ना बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है ब्लॉग बनाते वक्त। और ये वायर का जो झंझट है ना ये पूरा ही खत्म कर देता है हमारा सेकंड माइक्रोफोन जो कि है एक वायरलेस माइक्रोफोन। नाउ इसको इस्तेमाल करना बड़ा ही इजी है। आपके पास जो रिसीवर है उसको अपने फोन के साथ आप ऑडियो केबल के थ्रू कनेक्ट कर दो एंड जो ट्रांसमीटर है उसको अपने शर्ट या फिर टी शर्ट के ऊपर क्लिप कर दो और ये आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और रेडी हो जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। यह है आउटपुट ऑडियो क्वालिटी वायरलेस माइक्रोफोन का। जो ट्रांसमीटर है वो मेरे टी शर्ट के ऊपर क्लिप्ड है एंड जो रिसीवर है फोन के साथ कनेक्टेड है। आसपास नेचर में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज है और इस माइक्रोफोन में मैंने बैकग्राउंड नॉइज रिडक्शन को ऑन करके रखे है। सो कुछ इस क्वालिटी का ऑडियो आपको सुनने को मिलता है। आई होप आपको अच्छी क्वालिटी का ऑडियो सुनने को मिल रहा होगा। बाकी आप बताओ मेरे को कमेंट करके ऑडियो क्वालिटी कैसा है। वायरलेस माइक्रोफोन्स के साथ जो दिक्कत है ना वो है चार्जिंग में। ना इसको आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है जो कि आप काफी टाइम भूल जाते हो चार्ज करना। काफी टाइम ऐसा होता है शूट के बीच में चार्ज खत्म हो जाता है तो आपका माइक्रोफोन बंद पड़ जाता है, आपका ऑडियो कैप्चर नहीं होता है। सो ये एक इशू है। एट द सेम टाइम माइक्रोफोन और रिसीवर के बीच में अगर आपका कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ जाएगा लाइक फोन वगैरह कुछ आ जाएगा तो कनेक्शन में काफी टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाथ में मेरे पास ये जो माइक्रोफोन है ये अराउंड 12,000 की है और अगर आप एक सस्ता माइक्रोफोन भी लेने जाएंगे तो अराउंड 5,000 से 6,000 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा। 1,500 रुपये में भी कुछ वायरलेस माइक्रोफोन्स आते हैं बट उनको बिल्कुल भी मत खरीदना, एकदम यूजलेस प्रोडक्ट है। तो वायरलेस माइक्रोफोन्स थोड़े से एक्सपेंसिव है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ थर्ड माइक्रोफोन है मेरे ओपिनियन से वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोफोन फॉर ब्लॉगिंग विद स्मार्टफोन क्योंकि इसमें वायर का भी झंझट नहीं है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। यह है एक शॉटगन माइक्रोफोन और मेरे पास है गोडोक्स का शॉटगन माइक्रोफोन जो कि रफली अराउंड 2,000 से 3,000 रुपए के अंदर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। गोडोक्स बोया या फिर किसी अदर ब्रांड का ले सकते हो। और ये वाला जो माइक्रोफोन है टाइप सी कनेक्शन के साथ आता है तो आप अपने फोन के साथ टाइप सी पोर्ट के थ्रू इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके फोन में टाइप सी पोर्ट के थ्रू हेडफोन या फिर माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं होता है तो आप इसमें जो 3.5 mm जैक दिया गया है उसके थ्रू भी फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो इजीली कनेक्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो जो माइक्रोफोन है डायरेक्टली आपके माउथ की तरफ फिक्स्ड है तो जो भी आप बोलेंगे डायरेक्टली माइक्रोफोन में जाएगा, आपका बहुत वॉइस बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर होगा और आसपास का जो नॉइज है उसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। आसपास का नॉइज थोड़ा बहुत रिकॉर्ड होगा बिकॉज ये शॉटगन माइक्रोफोन है और ये जरूरी भी है बिकॉज ब्लॉग में आप खुद को दिखाते हो साथ ही साथ आसपास के एरिया को दिखाते हो तो आसपास के एरिया में क्या चल रहा है उसका बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा बहुत तो आपके ब्लॉग में आना ही चाहिए, तभी आपके ब्लॉग में मजा आएगा। ऑलराइट, सो फाइनली ये है आउटपुट ऑडियो क्वालिटी शॉटगन माइक्रोफोन का। गोडोक्स का शॉटगन माइक्रोफोन अभी मेरे फोन के साथ कनेक्टेड है टाइप सी पोर्ट के थ्रू। यहाँ पर आसपास नेचर में थोड़ा बहुत नॉइज है, आई एम श्योर ये माइक्रोफोन नॉइज को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। बाकी ऑडियो का क्वालिटी कैसा है वो आप सुन सकते हो। ऑलराइट, तो अभी अपने तीनों ही माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी सुनिए। अब अभी तीनों ही माइक्रोफोन की ऑडियो को आप एक साथ में सुनो तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि इन तीनों में से कौन सा माइक्रोफोन सबसे अच्छी क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड करता है। यह है आउटपुट ऑडियो क्वालिटी लेवलियर माइक्रोफोन का जो
कि मेरे टी शर्ट के ऊपर क्लिप्ड है। फिर ये है 12,000 रुपए का वायरलेस माइक्रोफोन का ऑडियो क्वालिटी। एंड फाइनली ये है आउटपुट ऑडियो क्वालिटी शॉटगन माइक्रोफोन का। ऑलराइट, सो अभी मैंने आपको तीनों ही माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी सुना दी है, तीनों ही माइक्रोफोन में क्या अच्छी चीजें है क्या खराब चीजें है सारी कुछ चीजें बता दिए। अब आप खुद से चूज करिए इन तीनों में से कौन सा माइक्रोफोन आपको परचेज करना है अपने ब्लॉगिंग के लिए। मैं तो आपको यही वाला शॉटगन माइक्रोफोन को रिकमेंड करूंगा, बाकी आगे आपकी मर्जी। और इन तीनों ही माइक्रोफोन के परचेज लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर से इनको परचेज कर सकते हो। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा तो लाइक और शेयर करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली बनाता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।